अल्लाम वरमी वर्क बस्मिल्ल अल्लाह सलामूल्बात नाजरीन पिछले एपिसोड में हमने आपके सामने ज़िक्र किया था किस्से यूसुफ़ का पहला ख्वाब और क्या उसके अंदर दुरुस्त अस्बाक नसीहतें हमें और इल्मी फ़वाद देखने को मिले उसका भी हमने मुख्तरा तस्करा किया हुआ था जब हजरत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने वालिद मोहतरम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से खाब बयान कर चुके तो याकूब अलैहिस्सलाम को एक तो खुशी हुई लेकिन दूसरी बात ने उन्हें रंजीदा कर दिया खुशी और मसरत क्या थी कि मेरा ये बेटा आला मकाम हासिल करने वाला है यानी अल्लाह आलमीन इसको नबूवत से सरफराज करने वाला है ये खुशी थी गम रंज और तकलीफ इस बात की थी कि कहीं उनके भाई अगर इस ख्वाब को पहचान ले जाएं और इनको इस बात की भनक भी हो जाए तो मुमकिन है कि वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से चाल चलेंगे ये बहुत बड़ी बिशारत और खुशखबरी थी याकूब अलैहिस्सलाम के लिए भी और हजरत अलैहिस्सलाम के लिए और बड़ा प्यारा सिलसिला है बड़ी प्यारी कड़ी है बहुत खूबसूरत नामा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि लोगों में बाइज्जत कौन है शरीफ कौन है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन फरमाया अल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम के सबसे खूबसूरत नसबनामा और सबसे खूबसूरत सिलसिला और सबसे खूबसूरत कड़ी यूसुफ असलातलाम उनके वालिद याकूब असलातलाम उनके वालिद इसहाक इसहातलम उनके वालिद इब्राहिम खलील क्या खूबसूरत नसम चारों नबी हैं अल्लाह ने चारों को नबी बनाया बाप नबी बेटा नबी पोता नबी और पड़ पोता नबी सब नबी अल्लाह जिसको रिफात बुलंदी और मकाम अता करता है तो कोई भी वहां से उस बुलंदी को उस मकाम को उस रिफात को गिरा नहीं सकता और यही रिफात बुलंदी मकाम मंजिलत बरतरी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत यूसुफ असलातम को अता की खैर जरत याकूबलात ने जब अपने प्यारे बेटे यूसुफ अलहसलात का खाब सुना तो क्या फरमा रहे हैं क्या नसीहत कर रहे हैं आइए उसको देखते हैं या बुनैया ला तख्स का अलादू लकदा इन शैतान अल इंसान यादवी या बुनैया आह क्या खूबसूरत है। अल्फाज हैं क्या खूबसूरत उसलूब है या बुनैया ए मेरे प्यारे बेटे ला अकबर माय सन नहीं कहा माय डियर सन मेरे प्यारे बेटे तामुल देखे वालिद का अपनी औलाद के साथ उसलूब तरबियत देखिए तरबियत इस तरह होती है कि अगर बाप अपने बेटों से हसने कलाम बेहतर कलाम के जरिया से गुफ्तू करेगा उनको प्यार भरे अंदाज में पुकारेगा तो बच्चे फौरन उसकी दावत पर लबैक कहेंगे हमारे यहां तो तरीका ही उल्टा है क्यों हमारे जहन ही उल्टे हैं माँ बाप अपने बेटों को इतने गंदे गंदे लकब से पुकारते हैं इतने बुरे अल्फाज से पुकारते हैं कि अगर बच्चा या बच्ची सुनना भी चाहें दावत पर लबैक भी करना चाहें तो वो फौरन नाफरमानी कर देते हैं इनकार कर देते हैं फिर उलमा से हम शिकायतें करते हैं एमए मसाजिद से हम शिकायतें करते हैं कि मौलाना साहब मेरा बच्चा बिगड़ गया है ऐसा है वैसा है वगैरह वगैरह क्यों गलती किसकी है जनाब गलती बच्चे के नहीं आपकी है आपने तरबियत अच्छी नहीं की ये बड़ा प्यारा सबक हमें मिलता है दर्श मिलता है नसीहत मिलती है हमें या बुनैया मेरे प्यारे बेटे अल्लाह अकबर नबियों का तरीका देखिए नबियों का उसलूब देखिए क्या खूबसूरत उसलूब क्या खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चों के लिए ये तामुल है वालिद का अपने बच्चों के साथ और पहले हमने बताया था कि बच्चों का अपने वाल के साथ कैसा तामुल होना चाहिए दोनों को जोड़ दिया गया है दोनों का जिक्र किया गया है इस सूरत के इब्तारी हिस्से में इस किस्से के इब्तदाई हिस्से में और यहीं से गुफ्तगू शुरू हो रही है आगे देखें क्या बेहतरीन किस्सा है ये इस्लामी भाइयों माओ और बहनों आप अपने बच्चों की तरबियत अगर बेहतर अंदाज में करना चाहती हैं या करना चाहते हैं हमारे भाई तो उनको अपने बच्चों से बेहतर तरीके से कलाम करना होगा गुफ्तगु करनी होगी उसलूब को बेहतर करना होगा मिया बीबी के झगड़े लड़ाइया अपने बच्चों से शेयर ना करें भैसो तकरार हर घर में होती है लड़ाई झगड़े हर घर में है इल्ला माशाल्लाह कोई घर इससे पाक हो लेकिन अगर कोई भी शिकायत है बीवी को अपने शौहर से या शौहर को अपनी बीवी से उसको घर ही में रखें अंदर रखें कमरे में जाकर के उसका सल्यूशन उसका हल तलाश करें हल ढूंढें और आराम से सुलझा लें अगर आपने अपने बच्चों के सामने वो झगड़े लड़ाई और गंदी गुफ्तगु का इजहार किया तो ये बच्चे खुद तो बिगड़ेंगे साथ में आपकी बाहर जाकर के नाक कटवा देंगे या बुनेला या याक ऐ मेरे प्यारे बेटे अपने ख्वाब को बयान ना करना कहां पर आला इखवती का अपने भाइयों के सामने अपने ख्वाब का तस्करा अपने भाइयों से ना करना क्यों कुछ वजह भी तो होगी मना करने की फकीदूल कैदा क्योंकि वो तुम्हारे लिए सुए तदबीर से या किसी चाल से गलत तरीके से तदबीरें अपनाने लगेंगे कैद मकर फरेब को भी अपना सकते हैं इसलिए अपने भाइयों के सामने इस खाप का तस्करा ना करना क्योंकि खाप बहुत अजीम है ये। कैद तदबीर चाल अगर मुखलिस दोस्त की जानिब से हो तो वो उसे कैद हसन कहा जाता है अच्छी चाल अच्छी तदबीर कैद अगर औरत की तरफ से हो तो उसको कैद सू कहा जाता है बुरी चाल क्योंकि औरत अगर बुरी चाल चलना शुरू कर दे तो सारे के सारे लोग उसके सामने फेल हो जाएंगे लेकिन ऐसी औरतें जो बुरी होती हैं वही ऐसा करती हैं और जो माशाल्लाह मुखलिस हैं नेक औरतें हैं अच्छे घराने की हैं और तरबियत उनकी अच्छी हुई है अच्छी खवातीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हमेशा अपने शौहर के लिए अच्छा चाहेंगी अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहेंगी और अगर तदबीर चाल कैद भाइयों की जानब से हो तो उसे कैद हसद कहा जाता है हसद की चाल हसद की तदबीर हसद का मकर हसद का फरेब जी हां और इसी से हजरत याकूब अल्लात ने अपने बेटे यूसुफ असलातम को मना फरमाया कि अपने ख्वाब को अपने भाइयों के सामने जिक्र ना करना कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हारे लिए चाल चलने लगे क्यों इल्लत बयान की सबब बयान किया मुमकिन है भाई तुम्हारे लिए साफ हो शफाफ हो ठीक ठाक हो लेकिन साहब इबलीस तो है इन शैतान इंसान यादव मुबीन अल्लाह ने फरमाया हजरत याकूब याकूबलत की जुबानी फरमाया याकूब फरमायाकूब ने बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है ये दुश्मनी आज से नहीं है जनाब यह हजरत सलाम की तखलीक ही से दुश्मनी चली आ रही है इबलीस की इंसानों से खुला हुआ दुश्मन है हम और आप जानते हैं कि शैतान हमारा दुश्मन है कौन नहीं जानता कि इबलीस हमारा दुश्मन नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी हम काम वही करते हैं जो शैतानी हो हम काम वही करते हैं जो इबलीस के हों हम काम वही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए चाहे ओलामा समझाते रहें फुकाहा समझाते रहे लेकिन काम वही करना है जो शैतान के हो। बताइए इतनी खुली दुश्मनी है कि नबी भी अपने बेटे को समझा रहे हैं कि बेटा शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है भाइयों के जहन मुमकिन है साफ हो लेकिन शैतान उनके जहनों को खराब कर सकता है इसलिए खाप का तस्करा करने से मना फरमाया उसके बाद अल्लाह आलमीन ने सूरह यूसुफ को मजीद बयान करते हुए और उस किस्से को आगे बढ़ाते हुए फरमाया कि यूसुफ और उनके भाइयों के किस्से में सवाल करने वालों के लिए निशानियां हैं आयात हैं गैबर हैं नसीहतें हैं दुरूस हैं असबाक हैं फैमिली मैटर है और फैमिली जब एक साथ रहती है एक साथ भाई रहते हैं बहने रहती हैं मां बाप रहते हैं तो बात लोग समझ लेते हैं जहन समझ लेते हैं फला का जहन कैसा है फला का मिजाज कैसा है और यही मामला यहां पर भी है अल्लाह ने जिक्र किया कुरान में अबी ना मिन्ना और याद करो उस वक्त को जब उन्होंने कहा यानी भाइयों ने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम के दस भाइयों ने कहा कि यूसुफ और उनके भाई हमारे वालिद के नजदीक हमसे ज्यादा महबूब हैं हालांकि यह बात उनके जहन में शैतान ने डाली हुई थी आगे क्या कहते हैं वह नहनु उसबा हम तो हट्टे कट्टे हैं जवान हैं हमसे काम भी करवाते हैं हमारे वालिद साहब और हम काम भी करते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी यूसुफ और उनके भाई बिन्यामीन हमारे वालिद के नज़दीक ज्यादा महबूब है ये फिक्रा जो फिक्र सू में तब्दील हुआ आगे चल करके उनके जहन में आ गया यही से बात खराब होती चली गई एक और बात यह फिक्र आया कैसे इसकी दो वजह हो सकती हैं एक वजह तो ये कि हजरत अलैहिस्सलाम की कई बीवियां थी और आप जानते हैं कि अगर एक शौहर के निकाह में दो तीन चार बीवियां हों और हर बीवी से दो दो तीन तीन चार चार बच्चे हों तो जाहिर सी बात है औरत अपने बच्चों को अपने बाप से ज्यादा करीब रखना चाहेगी और ये चाहेगी कि उसका शौहर उसके बच्चों से ज्यादा मोहब्बत करे ये फितरी चीज है और यही मामला यहां पर है दूसरी वजह कि याकूब अलहलात यूसुफ अलैहिस्सलाम से जो मोहब्बत करते थे इसमें कोई शक नहीं बेहद मोहब्बत करते थे ये मोहब्बत अल्लाह की तरफ से डाली हुई थी आदल सबके साथ करते थे फर्क है मोहब्बत में और आदल में एक नबी से और उसकी शख्सियत से यह तस्वुर भी करना बहुत दूर की बात है कि वो अपने बच्चों के दरमियान आदल और इंसाफ से काम ना लेता हो नहीं आदल सबके साथ था इंसाफ सबके साथ था लेकिन मामला मोहब्बत का था और यही तस्करा उनके भाइयों ने भी यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने भी किया कि हब्बू अलाबीना मिन्ना कि यूसुफ और, और उनके भाई बिन्यामीन जो है हमारे वालिद के नजदीक हमसे ज्यादा महबूब हैं मोहब्बत का मसला था उसकी वजह यह है जैसा कि हमने जिक्र किया था पहले कि यूसुफ असलातूसलाम की वालिदा इंतकाल कर गई थी और जाहिर सी बात है मां का इंतकाल हो जाए तो बच्चे पर शफकत नरमी से पेश आना बहुत जरूरी है क्योंकि तो बच्चा उदास हो जाता है बच्चा परेशान रहता है जिसकी मां ना हो इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन्यामीन चूंकि एक मां से थे और इनकी मां का इंतकाल हो गया है से मोहब्बत करते थे मोहब्बत सबके साथ थी लेकिन इनसे कुछ ज्यादा करते थे एक वजह तो यह है कि उनकी मां का इंतकाल हो गया दूसरी वजह यह कि छोटे भी थे और तीसरी वजह यह भी कि इनकी एक अजीम शान थी जिसको हजरत हजरतूब जान चुके थे इसलिए याद रहे कि अगर किसी शख्स के दस बच्चे हैं तो सबके साथ आदल और इंसाफ से काम ले रही बात मोहब्बत का मसला तो ही अल्लाह की तरफ से है इसी तरह किसी शख्स की अगर दो बीवियां हैं तीन बीवियां हैं चार बीवियां हैं तो आदल और इंसाफ सबके साथ करे लेकिन मुमकिन है कि किसी एक बीवी के साथ ज्यादा मोहब्बत हो उसका मैलान ज्यादा हो यह फितरी चीज है यह अल्लाह की जानिब से है जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु वसल्लम की कई बीवियां थी लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा रजी अल्लाह तलाहा से थी हालांकि अदल इंसाफ सबके साथ किया आपने मोहब्बत सबके साथ है लेकिन किसी से कुछ ज्यादा होती है और किसी से कुछ कम होती है और यही मामला हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का उनके बेटों के साथ भी था याकूब अलैहिस्सलाम समझ चुके थे पहले ही उनको खदशा लाहिक था कि आगे चलकर के मामला कुछ बिगड़ने वाला है शैतान ने याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे दस बेटे उनके जहनों में यह फतूर भर दिया था यह वसवसा डाल दिया था कि तुम्हारे अब्बू जान यूसुफ और उसके भाई बेन से ज्यादा मोहब्बत करते हैं ज्यादा लगाव है उनसे आगे क्या कहते हैं इन अबाना लफी वाल मुबीन हमारे वालिद तो खुली हुई गुमराही में है बताइए बहुत बड़ी बात है ये मालूम क्या हुआ कि वसवसा डाल चुका था शैतान अब बात आगे बढ़ती गई जू जू वो देखते जाते कि याकूब यूसुफ़ यूसुफलातलाम से बेहद लगाव रखते हैं बेहद मोहब्बत करते हैं अब उन्होंने चाल चलना शुरू कर दी देखिए याकूब याकूबलातलाम को जिसका डर था जिसका खदशा था शुरू में और मना किया था कि मेरे प्यारे बेटे अपने भाइयों के सामने इस खाब का तस्करा ना करना अब देखिए वही चीज आखिर पेश आने वाली है और उसकी अलामतें जाहिर होने लगी क्या कहा एक रात इकट्ठा हुए सारे भाई जो दस भाई हैं यूसुफ और बिनियामीन अलग हैं दसों इकट्ठा हुए किसी रात और मशवरा करने लगे इनके इकट्ठा होने का मामला या तो घर में हो सकता है किसी खास रूम में यह मुमकिन है ये चूंकि बकरियां भेड़े चराने जाया करते थे तो मुमकिन है सहरा में किसी दरख्त के नीचे बैठे हों और आपस में उन्होंने यह मशवरा किया हो आलम क्या कहते हैं उक्तुलू यूसुफ बड़ी खतरनाक राय थी एक गिरोह कह रहा था उक यूसुफ यूसुफ को कत्ल कर डालो बहुत बड़ा फैसला था साहब और बड़ी खतरनाक राय भी थी दूसरा गिरोह क्या कहता है उसके बारे में नाजरीन हम आपको अपने अगले एपिसोड में इंशाल्लाह बतलाएंगे तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं व बरकातहू ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें